हाँ तो भाई वेलकम सभी का एक नए व्लॉग में। ऊपर से गाड़ी वाड़ी मतलब पेमेंट वगैरह करके सूट वगैरह उतार के अब हम निकल पड़े वापस नारकंडा की तरफ, जहाँ ये सब होता है। नारकंडा से कुछ 10 किलोमीटर ऊपर है जगह स्नो वगैरह, उससे 2-3 किलोमीटर और ऊपर, जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा। बस यहाँ से वापस नारकंडा की तरफ। अभी प्लान ये है शायद शिमला रुके, बट अभी का कोई डिसाइडेड नहीं है। अभी बस चल रहे हैं, थोड़ा रास्ता कच्चा पक्का है, थोड़ा दोनों चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। गाड़ी का बैलेंस भी और फोन का भी। तो भाई नारकंडा से नीचे उतर के आ रहे थे, भूख बहुत लगी यार, सुबह ऑमलेट खाई थी, उससे क्या ही जाता है पेट में, और एक ऑमलेट ऊपर भी खाई थी वैसे। अब कुछ खा रहे हैं यार, यहाँ रुके हैं कौन से। और तेरी ये है दैन मटियाना में, नारकंडा से पहले मटियाना है शाली व्यू ढाबा, इस पर बैठते हैं कुछ खाते हैं। व्यू की बात करो तो व्यू तो आप देख ही रहे होगे। लंच मंगाते हैं कुछ खाते हैं। तो भाई ये इनका मेन्यू है, मैंने ऑर्डर करा है पनीर बटर मसाला, रोटी और दही। इसके दही के बिना यार खाने में मज़ा नहीं आता। देखते हैं खाना कैसे होता है, आएगा तो आपको बता दूँ। व्यू अच्छा है, वैसे व्यू में कोई कमी नहीं है। दही 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 सिंपल दही, सिंपल दही भाई, एक 20 QC में डाल दियो। हो चुका है अपना खाने में, हमने खाया क्या, पनीर थी, दाल थी, पनीर था और दही थी और सलाद, और खाने के बाद चाय तो चाहिए, बस यही सब है। मतलब पहाड़ों का ऐसा गंदा सीन है, कुछ एक मिनट भी कुछ गाड़ी इधर उधर हो जाए जभी जाम लग जाता है। अभी शिमला से पहले है, अभी 10 किलोमीटर जाम लगा है, स्लो स्लो गाड़ी मूव हो रही है एकदम, क्या ही करें, करना पड़ेगा, बट चलना है तो जाना पड़ेगा। यूँ नहीं एक साइड, दोनों साइड ही ये बुरा हाल है। सोच रहा था शिमला मॉल रोड देख लूँ मैं, बट ये देखने नहीं देगा जाम मुझे आजकल लग रहा है। देख के जाएंगे आज। अच्छा जी, हाँ। देख के जाएंगे आज, चाहे एक बजे देखें। हाँ। बिल्कुल बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। फिर देखो एकदम स्लो स्लो, एकदम स्लो स्लो, पता नहीं जैसे क्या आग लग रही है। चल रहे हैं भाई, देखो आपको दिख रहा होगा आगे भी। चला लो भाई, चला लो बलीरो। उफरीट से शिमला रोड तो बढ़िया, बट क्या करें, शिमला राजधानी भी तो हो गई ना, पहाड़ों की रानी भी है राजधानी भी है, तो जाम तो लगना बनता है। और एक वो सुरंग है वो आगे दिखाऊंगा आपको, उसमें से एक ही टाइम पे एक ही ट्रैफिक मूव होता है, या तो आगे का होगा या पीछे का होगा, दोनों में से एक ही मूव होता है वही शिमला। हेलो जी, तो हेलो तो कहें पुराने, तो शिमला पहुँच चुके हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाई है नीचे अपनी। अब यहाँ से ऊपर सामने की तरफ ये आगे मेन रोड की तरफ। ये भाई शिमला देख लो रात को कैसा लगता है, पूरे पहनते हैं। लिफ्ट है ऊपर मॉल रोड के लिए, हम लिफ्ट ले रहे हैं अंदर से। ये ऊपर मॉल रोड लिफ्ट जाती है, फटाक से आ जा। वही टिकट काउंटर, पैदल जाने वालों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था जब मैं पहली बार गया था। ये इसकी टिकट है 20 रुपए की, 10 पर।
तो ये इसकी टिकट है 10 रुपये पर पर्सन। ग्राउंड हट जाइए और फोटो बॉम्बिंग देखते हैं मैं कितना। तो ये लिफ्ट से एग्जिट ले लिए, अब देखते चढ़ना कितना और पड़ेगा अभी ऊपर। मॉल रोड क्या होगा, चढ़ना भारी हो गया भाई। अभी टाइम हो रहा है 7:46 भाई। एक लिफ्ट से निकल के दूसरे लिफ्ट पे भाई, इतना इजी होगा मॉल रोड पे आना ही मैंने सोची नहीं थी कभी। मैं मेरे गधे दोस्तों के साथ इस रोड से आया था पैदल चलते चलते। ये ना मॉल रोड, चल आगे। अब ये सारा ही मॉल रोड है, बताते बहन ख्याल देखो सारा। तुम भी देख रहे होगे ना व्लॉग, तो पता तुम्हें भी चली जाएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अजय, विनय, राहुल और कौन था उस दिन, आकाश और पांचवा मैं, कुत्तों की तरह घसीटे लेकर आया था रोड से। देखते देखते है नहीं, लिफ्ट भी लगी है यहाँ पे, सारा मूड खराब कर दिया गधों ने। लिफ्ट से एक्सेस आई है, वो आगे बेंच ऊपर पूरे 45 मिनट घसीटा गधों ने मेरे को उस दिन। तो भाई ये मैसेज इतने बंदों तक पहुंचे तो ठीक है, मॉल रोड तक पैदल आने की कोई जरूरत नहीं, लिफ्ट आती है ऊपर। मैं खुद हैरान हो गया, 10 रुपये में आपके आधे घंटे बच रहे हैं और सांसें बच रही है वो अलग। तो भाई शिमला में एक ही जगह है थोड़ी देखने की, दिख ही रही होगी आपको, इसकी बैक साइड से आए आज हम। तो भाई कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सीधा मॉल रोड, क्रिस्ट द चर्च, ये दिख भी रही होगी आपको अपनी चर्च। तो भाई पहुंच गए माल रोड पे, तिरंगा ये 10 किलोमीटर ऊपर से दिख, सॉरी पीछे से दिखता है माल रोड के। और ये चर्च, हम वहाँ से आए थे पिछली बार जब आए थे वो सामने वाले रास्ते से। कह रहा था वो तिरंगा जो लगता है ना, ये पूरा सीनिक व्यू देखो मॉल रोड का, ये रिज द पाल। पूछ लेता खाने में क्या क्या अवेलेबल है इनके पास। तो भाई मॉल रोड को और शिमला को भाई कहने का टाइम आ गया, चल रहे हैं वापस नीचे जहाँ से गाड़ी हमने खड़ी करी है। एक जाखू टेम्पल हो रहा सामने आपको, मे भी दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ थोड़ा। वो जो हनुमान की मूर्ति जाखू टेम्पल है वो अभी बंद है, मैं तो गया हुआ उस पर भी वैसे। साइड को आता है मॉल रोड साइड और कुछ खाने की सोचा, तो इस बेकरी को जरूर ट्राई करें, A to Z चीज़ बढ़िया। मैंने क्या क्या खाया अपने, मोमोज, आलू पेटी, एग पेटी और ये अभी लास्ट में मैंने ये लिया चोको चिप, मतलब टॉप, हर एक चीज़ टॉप की है भाई, मतलब इनका वेयर क्वालिटी मीट्स टेस्ट, मस्ट रिकमेंडेड है भाई। पूरी पेस्ट्री ख़त्म करने के बाद अगली लिफ्ट में एंट्री लेते हुए बस यहाँ से फिर सीधे पार्किंग की तरफ, वही लिफ्ट से एग्जिट ले लिए।
यहाँ से अपना देश स्वच्छ रखो, डस्टबिन में कचरा डालो, टिकट भी डाल दो, किसी काम की तो है नहीं जान। चल बस भाई, यहाँ से अपनी शिमला की जर्नी यहीं एंड होती है। बस गाड़ी में ढूंढ ले शिमला से रुक ले लायक है नहीं, दुनिया पता नहीं क्यों रुकती। ऊपर रुको यार, बढ़िया तो ऊपर ही है शिमला, तो एक घंटे में देख लोगे आप, क्यों कमरे का खर्चा करना है। अब भाई यहाँ से निकलते ही आ गए मेन रोड। नहीं भैया थैंक यू, चिल्लाना इस साइड से ही। ये भाई मेन रोड आ गया अपना, यहाँ से वो अपनी पार्किंग रही बस। ताजे मिक्स फ्रूट है और ये होटल्स, थके हुए पैसेंजर पूरा भाई थे वो, पूरा शिमला जगमगा रहा है एकदम। हो रही अपनी पार्किंग बस, चलो। तो वही शिमला को बाय कहने का टाइम आ गया, अब सीधे घर की तरफ। 5-6 घंटे की ड्राइव है शिमला से बहादुरगढ़ की। शिमला यार बड़ी प्यारी जगह है वैसे, एक बात तो मानने की है कसम से, एकदम मस्त हिल स्टेशनों में से एक है। और आ जाए आगे एक अलग चीज भी पता चली है मेरे को कि ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है, लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, पैदल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो भाई शिमला से उतर चुके हैं, पहाड़ एग्जिट हो चुके हैं, अभी आखिरी टोल है जर्नी का, मतलब हिमाचल का, जर्नी का तो नहीं, बस ये क्रॉस हो जाए। बस ट्रैक प्रोसेस सक्सेसफुली, ये टोल लग चुका है, आगे हो रहा है। तो भाई कम से कम 2 घंटे ड्राइव करने के बाद पिंजोर से ही लगा लो आप, पानीपत 15 किलोमीटर है यहाँ से। घुटने में दर्द बन गया था यार एकदम, अकेला ड्राइवर हूँ ना, तो अभी ब्रेक लिया है चाय के लिए। चाय और सैंडविच मंगाया, पैर सीधा कर रहा है यार मैं, आधे घंटे का ब्रेक लूँगा यार, फिर सीधे घर अपने। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, मतलब यहाँ से खा के, खाना आने दो खा के, थोड़ा निकलते हैं, थोड़ी पेट पूजा करके इसको यहीं छोड़ के जाऊँगा। तो भाई खाना आ चुका है, चाय और सैंडविच, टाइम 2 बज रहे होंगे, हाँ 2 बज रहे। खाते हैं रात की मील। केएमपी को भी बाय बाय कहने का समय आ गया है, बादरोड की तरफ कट लेने का टाइम आ गया हमारा, केएमपी को छोड़ के अपने दिल्ली रोहतक रोड पे उतरने का, और ही रोहतक की एग्जिट। इसमें भी आ गया, देखिए आपको आखिरी पर्ची भी अभी कटेगी, इतनी तो कट चुकी है, एक और ठीक एरा रोहतक वाली एग्जिट अब दिखेगा। तो भाई यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लोग बाग थोड़े स्पीड में ही आते हैं, और कट भी एकदम सही आता है, दिखता भी नहीं है, धुंध भी पड़ी हुई है, 4 बज रहे हैं, धुंध का भी क्या है सूरज जाता जाता जा डस। तो हम हरियाणवी तो बोलेंगे क्यों नहीं, कुछ गलत दिक्कत है हरियाणवी होने में, मत बोलना तो। ये आगे भाई बहादुरगढ़ वाली एग्जिट के एमपी से, ये सीधा मानेसर गुड़गांव की तरफ जाता है, हमें बटवानी जाना है, हमें जाना है यहाँ, तो हम यहाँ से घूम रहे हैं। अब जाएगा, दूर पड़ेगा। तो आगे भाई जर्नी का आखिरी पर्ची कटने का टाइम,
पर्ची कटवा कटवा के दिमाग खराब हो चुका है। फास्टैग भी मेरा अंधा हो गया बेचारा, पैसे भर भर के। अब ये 70 का है शायद, ये तो मेरे को पता है 70। हाँ 70 का ही है, सिंगल जर्नी इसकी 70 की है और डबल इसकी 110 की है। गैस ये लो भाई पहुंच गए। चल मेरी रानी उड़ जा। वैलिड यार, दो रास्ता था, एक रोहतक की तरफ एक बहादुरगढ़ की तरफ। हमें रोहतक नहीं है, हमें अपने घर जाना है, तो हम बहादुरगढ़ वाले रोड पे चढ़ रहे हैं। हाँ तो वहाँ से भी जाएंगे बट काफ़ी आगे कटा, तो हमें घूम के आना पड़ेगा। तो भाई पहुँच चुके हैं बहादुरगढ़ अपने घर की तरफ। तो ये व्लॉग की जर्नी यहीं एंड होती है। व्लॉग अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। ये अपना आ रहा मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ सिटी। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।